गाइस आज तक इससे घटिया ट्रेन ना मैंने कभी देखा नहीं है यार। कल इस ट्रेन की लॉन्चिंग हुई थी, कल ये ट्रेन लॉन्च होता है और लाल कुआं से हावड़ा तक जाने के लिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने अपनी औकात दिखा दी है। इसे कल रात को 9:30 बजे जो है हावड़ा रेलवे स्टेशन पे होना चाहिए था, लेकिन अभी मॉर्निंग के जो है अप्रॉक्स 8 बज रहे हैं और ये अभी भी हावड़ा नहीं पहुंचा हुआ है। अप्रॉक्स 11 घंटे की देरी से चल रही है। फिलहाल गाइस जैसे तैसे तो हावड़ा पहुंच गए, अब यहाँ से अपने होटल की तरफ चलते हैं। Don't forget about me and all the things I could give. तो रैपिडो बाइक हमने कर लिया है और काफी मशक्कत करने के बाद भैया हमारे लोकेशन पे आ गए और अब हम दोनों निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ और ये अपने ड्रॉप करेंगे। काफी अच्छे रेट में मुझे जो है रैपिडो की सर्विस मिल रही है और मुझे लगा था कि यूपी में ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि कलकत्ता में भी गर्मी खूब है भाई। और हाँ कितना कितना डिग्री चल रहा है इधर? 25। अच्छा 42 भाई, 42 डिग्री की गर्मी अपने यहाँ तो अभी फिलहाल 38-37 पे चल रहा है। लगा कि मैं सेकंड जो ब्रिज है कहने वाला है हावड़ा ब्रिज को, तो वहाँ पे मैं चढ़ गया हूँ और यहाँ से मैं आपको सेकंड हावड़ा ब्रिज का जो है नज़ारा दिखाने वाला हूँ। काफ़ी खूबसूरत जो है सामने से व्यू आ रहा है। हावड़ा 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 सुनते सुनते मतलब ऐसा हो गया था कि यार जल्दी से मैं वहाँ पे चलूँ, और फाइनली आज वो डेट और टाइम आ चुका है कि मैं सेकेंड हावड़ा ब्रिज पे जो है मैं हूँ। अभी आप नई तकनीकी नई डिज़ाइन से जो है क्रिएट किया गया है ये काफ़ी ज़बरदस्त शानदार ब्यूटीफुल मज़ेदार काफ़ी हाइट पे यार। वेलकम ऑसम। फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने रूम में और ये रूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी बजट फ्रेंडली है। 1500 रुपये में एसी का रूम मिल गया। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 42 डिग्री के करीब है, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। इसके वजह से मैंने जो है एसी रूम प्रीफर करा था। गंदी बात ये है ना कि आप 702 या 1500 या 2000 रुपये मैटर नहीं है, इसमें आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है, जैसे कि एक चाय तक नहीं मिलता है। मैंने बहुत ज़्यादा नीचे सुना दिया इनको ना, तो उसकी वजह से मुझे जो है ना एक कप चाय बस मिला हुआ है। खैर कुछ बोलने का कुछ तो फ़ायदा हो गया। इनफैक्ट मैं आपको एक बार ना रूम का टूर करा देता हूँ। रूम का कुछ लुक मतलब लुक ऐसा ही आएगा आपको, सिंपली है, बहुत ज़्यादा नहीं है, डबल बेड का है, दो लोग इजीली जो है स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका बैठने का सिटिंग एरिया दे दिया है एक सोफा के साथ में, बाकी ये ठीक है। कम्बोर्ड वाले लैट्रिन बाथरूम है, नहाने का ठीक है। तो गाइस कहीं पे भी रहो कभी भी रहो और अपने वर्कआउट को बिल्कुल भी मिस मत करो। और अभी हो रहा है 11:30 बजे का टाइम है और मुझे मन कर गया कि मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लूँ, तो लाइक थोड़ा बहुत डिप्स वगैरह लगाएंगे, थोड़ा बहुत पुशअप लगाएंगे बाइसेप्स के, शोल्डर्स के, बैंक के, और ओवरऑल डिप्स लगा के एक्सरसाइज कम्प्लीट करेंगे। देखो कहीं पे भी रहो अपने वर्कआउट को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। देख सकते हो सिर्फ वन टाइम अभी डिप्स लगाया, थोड़ा सा हैंड मूवमेंट्स किया, बॉडी अपने रूप में आ गई, अभी जुगाड़ बनाना पड़ता है दोस्त।
कहते हैं अगर आपको होटल के अंदर बाइसेप्स का वर्कआउट करना हो तो बहुत ही सिंपल तरीके का प्रोसेस है, उसे आप करके बहुत ही अच्छा बाइसेप्स पंप ला सकते हो लाइक ऐसे। और बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल वर्कआउट है, बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। सिंपल है, ये बाल्टी है, इसमें एक ग्लास फुल पानी मैंने भर दिया है लगभग 8-10 लीटर के करीब। सिंपली जो है बाइसेप्स के पोजिशन में आ जाना और अपने हाथ को इतना ही खोलना है, इससे ज़्यादा नहीं खुल पाएगा हाथ। ये है स्ट्रेट पोजिशन में आ जाने पर, ये हो गया बाल्टी वाला बाइसेप्स वर्कआउट। देखो अच्छी पंपिंग है गाइस, आप कंडीशन चेक कर सकते हो। सिर्फ 15 मिनट के होम वर्कआउट, मतलब सिर्फ डिप्स लगा लेने से बॉडी कितनी चेंज हो गई है यार। अब मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा भूख मेरा, मुझे बहुत तेज भूख लग गया गाइस, लाइट भी कट गया। मुझे कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि तो सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। सुबह से 15-20 मिनट का ये वर्कआउट शरीर तोड़ देगा। तो गाइस 2 घंटे बीत चुके थे, वहाँ पे लाइट नहीं आया हुआ था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था जिस वजह से लाइट पूरी तरीके से चली गई थी। और मतलब हाफ लाइट आ रहा था, एसी वगैरह नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से ना काफ़ी दिक्कत हुआ। और उसके बाद उनका एक और गेस्ट हाउस था जब उसी के पीछे, तो उसमें जो है मुझे शिफ्ट किया गया है। एक्चुअली अब लाइट आने का कोई संभावना नहीं था, और यहाँ का जो रूम है ना उस रूम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है और सुंदर भी है। वहाँ के रूम के अकॉर्डिंग ये रूम बहुत अच्छा है, मुझे इस रूम का बजट नहीं पता कितना होगा। और यहाँ पे डबल बेड और एक ये सिंगल बेड लगा हुआ है, तो ये उससे ज़्यादा ही महंगा होगा। लेकिन अभी क्या करना है कि उनको शिफ्ट करना था, तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। लेकिन 2 घंटा बहुत ज़्यादा दर्दनाक था यार, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है और रूम के अंदर तो कहीं से कोई विंड फ्लो भी नहीं था कि हाँ चलो ठीक है थोड़ा बहुत हवा आ रहा है। सब कुछ पैक था जिसकी वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी ठीक है, थोड़ा बहुत सो पाऊँगा मैं यहाँ पे, अभी तक कुछ खाया भी नहीं यार। भाई रोड पे भी पटरियाँ लगी हुई हैं, खाने की तलाश में क्या क्या घूमना पड़ रहा है भाई। ये क्या है पन्नी में? अच्छा बर्फ। सब दुकान का शौक नहीं होता सुनिए। हाँ सारे जगह का नहीं होता है, लेकिन ये है कि पूरा घर का बना हुआ है। हाँ तो हर चीज़ घर का, चटनी दही सब घर का। नहीं बहुत टेस्टी भी लग रहा है। भाई 50 की लस्सी, 50 का दही बाड़ा और 20 रुपए का फुल्की खा के पेट एकदम फुल हो गया और मज़ा भी आ गया। पता है क्या मतलब, अभी मैं खाना वाना खाने के लिए जाता ना तो फिर मेरे को दिक्कत ये हो जाता ना, गैस वैस की प्रॉब्लम हो जाती, तेल मसाला ही मिलता और नॉर्मली घर जैसा खाना भी नहीं मिल पाता। तो इससे बढ़िया इतनी गर्मी में अगर कुछ चाहिए तो भैया अगर दही मिल जाता सबसे बेस्ट है, तो मुझे मिल गया दही, जैसे कि लस्सी मिल गया और दही बाड़ा मिल गया, उससे पेट एकदम ठंडा हो गया। थोड़ा सा चटपटा चाहिए था तो उसके लिए मैंने खा लिया फुल्की और बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब 100-120 रुपए में यार पेड़ भर गया, क्या चाहिए। वैसे जिस मार्केट के अंदर था ना मैं, वो मार्केट पूरा मोबाइल का ही था, तो यार मोबाइल कहीं से भी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता है। धूप देख रहे हो ना, एकदम तगड़ा वाला धूप है, सर के ऊपर एकदम धूप चढ़ रहा है, एकदम दिमाग ख़राब है इतनी ज़्यादा गर्मी। मस्त लगता है ना येलो येलो टैक्सी यार। ये रोड पे जो ना पिछली हुई लाइन है ना, इसको देख के मैं एकदम कंफ्यूज था पहले, फिर बाद में मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बना हुआ है। पहले चला करता था यहाँ पे जो गाड़ी, अभी वो बंद है। देख रहे हो पहले मैं यहाँ पे बुकिंग कराया था इस वाले में, देन अब इस गली के रास्ते में अंदर जाना पड़ रहा है इधर। सर ये भी काफ़ी खूबसूरत है, देखो भाई ये ज़िंदगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे घुमाती है मुझे। हो गया तीन तल्ले भी जाना पड़ता भाई।
यहाँ से भी व्यू कुछ ऐसे ही है। हाँ यार, थोड़ा आराम से सोते हैं गाइस।